नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की असीम कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी लक्ष्मी जी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा से आप अपने जीवन में लगातार दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:27 बजे के बाद भगवान जो चीज आपको देने वाले हैं तुला राशि वालों, आप उसे पाकर भगवान को धन्यवाद करोगे। जी हाँ, और आप कहोगे धन्य हो प्रभु, इसी का तो हमें इंतजार था प्रभु, आपने तो हमारी दिल की बात सुन ली, आपने तो हमें करोड़ों की धन दौलत और संपत्ति दे दी प्रभु। तुला राशि वालों, जलने वालों को जलने दो, भगवान जो चीज आपको देता है उसे मुंह बंद करके चुपचाप ले लो। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह आपके मेहनत का फल है जो कि एक ना एक दिन तो आपको यह मिलना ही था। जो आपके भाग्य में है वो आपके पास भाग कर चला आएगा और जो आपके भाग्य में नहीं है, आप लाख प्रयास कर लो फिर भी वो आकर भाग जाएगा, क्योंकि दोस्तों सारा खेल किस्मत का ही है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे बिना आप कहीं मत जाइएगा। आज दोपहर 3:27 बजे के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है। आपसे अनुरोध करती है और आपका दायित्व तो बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा फायदा बताने वाले हैं और आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो भी बाबा महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वही वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भगवान महादेव जी आपके सभी सपने जल्द ही साकार करेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों, देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आज का दिन उत्तम रूप से आपके लिए फलदायक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कर रहे लोग किसी बड़ी डील को फाइनल करेंगे जिससे उन्हें खुशी होगी और भविष्य में उन्हें अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो मेहनत जो प्रयास आप अभी इस समय में कर रहे हैं, इसका फल आपको आने वाला समय में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए और मेहनत और प्रयास निरंतर करते रहिए, इसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। आपको परिवार के सदस्यों के साथ आज कुछ कामों को लेकर बातचीत करनी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी डील को फाइनल करने के बाद अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। काम को इस समय टालने का प्रयास ना करें और जो भी काम है उसे समय पर करने की कोशिश करें। एक बात हमेशा याद रखना, समय पर किया गया कार्य हमेशा उचित परिणाम मिलता है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है जो जातक अविवाहित हैं। जी हाँ दोस्तों, अविवाहित जातकों के लिए उत्तम रूप से विवाह के प्रस्ताव लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई भी तुरंत मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखने से बचना होगा और आपके बढ़ते खर्च आज आपको परेशान करेंगे, जिन पर आप लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आप नाकामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आज आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। आज आपको बिना मांगे किसी को भी सलाह नहीं देनी है और ना ही कोई सुझाव देनी है। जी हाँ दोस्तों, इतना आज आप जरूर ध्यान रखिएगा।
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने बिजनेस के कामों को लेकर छोटी मोटी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आपका कोई मामला कानून में चल रहा है तो वह उसमें भी आपको जीत मिल सकती है। आपको किसी मनपसंद काम को करने में मजा आएगा और आप भाई बहनों से चल रहे वाद विवाद को समाप्त करेंगे। आप घर परिवार में सभी सदस्य को साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहेंगे। आप कोशिश कामयाब रहेंगी और आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत खर्चाओं से भरा रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आपके घर कोई मेहमान आ सकता है या फिर किसी अन्य चीजों में आपका धन कुछ खर्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी वाहन खराब होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, उसमें भी आपका धन खर्च हो सकता है। खासकर अगर आप गाड़ी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो आज के दिन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, दोपहर से पहले का जो समय है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहने वाला है, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आप नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं या फिर कुछ रुके पड़े कामों को भी आप पुनः शुरू कर सकते हैं। आपको बिजनेस में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में आपके मन मुताबिक माहौल बनेगा और जो काम आपके अधूरे पड़े हैं आज उसे पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए समय बहुत अच्छे हैं। सितारे कहते हैं आज आप उन कामों को करने की कोशिश करें जो काम बहुत दिनों से अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए माता पिता से बातचीत कर सकते हैं और माता पिता की ओर से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। यदि वो आपको कोई सलाह देंगे तो वह भी आ जाएगी, लेकिन आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। वहां जाकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। ईश्वर भक्ति पूजा पाठ आप अपने जीवन में जरूर लागें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको जरूर फायदा होगा, लाभ होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत व्यस्तता से भरा रहने वाला है, आप अपने कामों में ही व्यस्त रहेंगे। जी हाँ, आपकी अध्ययन में व अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप अपने कुछ कामों को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आपकी किसी पुरानी गलती से आपको पछतावा होगा। यदि माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे रही है तो आज आपको समय रहते उसे पूरी करनी होगी, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके धर्म कर्म के कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और आपके कुछ शत्रु आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे, जिनको आप अपनी बुद्धि से मात देने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो आपको नुकसान कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसकी कही सुनी या बताई हुई बातों पर नहीं चलना है, नहीं तो दिक्कत होगा। वैसे तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको नौकरी में किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आप अपने माता जी से आज अपने मन में चल रही किसी उलझन को लेकर बातचीत कर सकती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में इजाफा होगा और उन्हें अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है सिर्फ आज का दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको आज किसी यात्रा पर जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना होने का भय बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज गाड़ी वाहन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करें। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सार्वजनिक वाहन का इस समय प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आज का दिन मिश्रित रूप से आपके लिए फलदायक रहने वाला है, लेकिन कुछ परेशानियां आज आपका पीछा करने वाला है। जी हाँ, आज आपको बहुत अच्छा रहेगा और खासा मुनाफा कमाने के योग जो है मिलेगा। जी हाँ, लेकिन आपके कुछ विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे बच पाएंगे। किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकती हैं। आपको व्यापार में अपनी आंख व कान दोनों खुले रखकर कार्य करना होगा, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, कोई आपके साथ छल कर सकता है।
इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा और आज के दिन का आनंद लें, लाभ उठाएं। आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।